ग्वालियर में 16 साल की किशोरी के साथ एक युवक के द्वारा दुष्कर्म के साथ साथ बदनामी का डर दिखाकर शोषण करने का मामला सामने आया है। जब उसकी सगाई कहीं तय हुई तो आरोपी ने उसके होने वाले मंगेतर और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल कर दिए। बदनामी होते ही किशोरी ने कीटनाशक दवा पीकर जान देने का प्रयास किया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्वालियर देहात बेलगढ़ा थाना क्षेत्र के गाँव में रहने वाली 16 साल की किशोरी के साथ गाँव में पुट्टी का काम करने आए गजेंद्र सिंह नाम के युवक ने उसे दोस्ती के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। फिर युवक ने उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और इस दौरान उसने उसके फोटो वीडियो भी बना लिए। फिर बदनामी का डर दिखाकर उसके साथ 9 महीने तक शोषण करता रहा। इस बीच जब किशोरी के परिजनों ने उसकी सगाई तय कर दी तो इसका पता चलते ही आरोपी ने उसके फोटो व्हाट्सएप पर वायरल कर उसके मंगेतर को भेज दिया और शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी। बदनामी का पता चलते ही किशोरी ने खेतों में डालने वाले कीटनाशक दवा गटक ली और उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले की शिकायत उन्होंने थाने में की। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी गजेंद्र को उसके पास से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेलगढ़ा थाने में एक मस्तूरा गांव की नाबालिग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनका एक रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार है, वो उनके घर पर आया हुआ था और उसने जो है मौका पाकर उसको धमकी देकर दुष्कर्म किया और उसको जो है लगातार धमकी दे रहा था कि मैंने तुम्हारे फ़ोटो वगैरह खींचनी है, परेशान कर रहा था। तो उसने अपने परिजनों को घटना बताई, उसकी परिजन फिर जो लेके थाने पर आए, उसकी रिपोर्ट पर से जो है पास्को एक्ट और दुष्कर्म का अपराध व अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और आरोपी से पूछताछ कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।